अगर आप चाहते हैं कि ये जीवन अपने सर्वोच्च स्तर पर काम करे तो शुद्धिकरण की आवश्यकता है। महीने में दो बार ये करना और नियमित अभ्यास करना आप जो भी कर रहे हैं वो पक्का करेगा कि शरीर शुद्ध है। तो अगर आपकी केमिस्ट्री साफ नहीं है तो शुरू में ये नाखुशी का सवाल होता है, बाद में ये खराब सेहत का सवाल बन जाता है। इनर इंजीनियरिंग के पांच पहलू, ये आनंद में रहने का एक सरल तरीका है। तो खास तौर से आप में से वो लोग जो आध्यात्मिक उन्नति के इच्छुक हैं, आपको एक अच्छी प्रणाली की जरूरत है। एक अच्छी प्रणाली का अर्थ है कम से कम मात्रा में घर्षण। कम से कम घर्षण, कुछ भी इकट्ठा नहीं करना, सब कुछ साफ है, अब ये सहजता और सरलता से काम करता है। हम जो कुछ भी इससे करना चाहते हैं वो करना आसान हो जाता है। पर आज कई तरीकों से विचार में, भावना में, यहां तक कि मौखिक शुद्धता भी नहीं है। इसे वाक शुद्धि कहा जाता है, जहां इस देश में इस बात को बहुत बड़ा महत्व दिया गया कि आप किस तरह की ध्वनि का उच्चारण करते हैं और किस भावना से करते हैं, इससे आप अपने जीवन में चीजों को स्थापित कर सकते हैं। इस अर्थ में अगर मैं फूल कहता हूं तो फूल की सुगंध एक जीवित सच्चाई बन जाती है। असल में ऐसा होगा, पर आप में से जो लोग शिट शिट कहते हैं You're doing this to yourself. Just know this. आप ये खुद के साथ कर रहे हैं, ये जान लीजिए। आपके मन में, आपके शब्दों में जो ध्वनियां आप उच्चारित करते हैं और सुनते हैं, और अपने लिए और आसपास के सभी लोगों के लिए आप जिस तरह का वातावरण बनाते हैं, ये सब चीजें महत्वपूर्ण हैं। अरे ये सब क्या है, किसी ने मुझे ये नहीं बताया। जिन शब्दों को आप बोलते हैं, जो शब्द आप सुनते हैं, ध्वनियां, आप किस तरह की ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इसका सही उच्चारण करते हैं, जैसा कि मैंने कहा, अगर आप फूल कहते हैं तो खुशबू आनी चाहिए, क्योंकि नाद में उतनी शक्ति होती है। अगर आपको पता हो कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है, देखिए, अगर आप सिर्फ काम पर जाकर वापस आना चाहते हैं, काम का वास्तव में मतलब है जीविका कमाना और वापस आना, उसके बाद किसी बिगड़ी हुई चीज से आप वहां ड्राइव करके वापस आ सकते हैं या एक साइकिल पर जाकर वापस आ सकते हैं। अब अचानक आप एक दौड़ में शामिल होना चाहते हैं, अब मशीन के हर एक सूक्ष्म मिलीमीटर को बार बार, कई बार देखा जाता है और बार बार शुद्ध किया जाता है। ये इसी तरह है। अगर आप चाहते हैं कि ये जीवन अपने सर्वोच्च स्तर पर कार्य करे तो सब कुछ, बस सब कुछ, आप कैसे बैठते हैं, आप कैसे खड़े होते हैं, कैसे सांस लेते हैं, कैसे कदम रखते हैं, उसमें शुद्धिकरण की आवश्यकता है, वरना ये उस तरह काम नहीं करेगा। जब आप साधना कर रहे होते हैं तो ये महत्वपूर्ण है कि आप कुछ ऐसा खाएं जो आपके भीतर चिपके नहीं, ये निकल जाना चाहिए। जब उसका काम पूरा हो जाए, उसका एक कण भी अंदर नहीं रहना चाहिए, उसे बाहर निकलना चाहिए। तो आप खुद को कैसे शुद्ध करते हैं? एक सरल चीज है, कम से कम महीने में दो बार, एक दिन 24 घंटे का समय बिना किसी भोजन के गुजारना चाहिए, सिर्फ पानी। ये यहाँ मौजूद हमारे ब्रह्मचारी और यहाँ कई दूसरे लोग हर एकादशी के दिन ऐसा कर रहे हैं। ऐसा करने के लिए वो दिन सबसे अच्छा भी है। और 24 घंटे मतलब आज शाम को आप खाते हैं और अगला भोजन अगले दिन शाम को लेते हैं और सिर्फ पानी पीते हैं। अगर आप शुरू में बहुत थका हुआ महसूस करते हैं तो कुछ समय बाद ये ठीक हो जाएगा। अगर आप पर्याप्त साधना करते हैं तो ये एक समस्या नहीं होगी। इसके अलावा अगर आप थका हुआ महसूस करते हैं तो आप उसमें एक नींबू निचोड़ सकते हैं और आप उसमें एक चम्मच शहद भी मिला सकते हैं, यह आपको चालू रखेगा। महीने में दो बार ऐसा करना और नियमित रूप से अपनी साधना करना सुनिश्चित करेगा कि शरीर साफ है। लेकिन शुद्धता पर आने का सबसे सरल तरीका है आनंद की अवस्था में होना। मैं आपसे कुछ भी कठिन करने को नहीं कह रहा, मैं आपसे सबसे सरल और सबसे शानदार चीज करने को कह रहा हूं। तो ये एक सरल तरीका है, क्योंकि आज हमें कोई वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं चाहिए, प्रयोगशाला विज्ञान का साक्ष्य, पर आज विज्ञान के प्रयोगात्मक साक्ष्य भी हैं कि जब आप
आनंद में होते हैं। जब आपका अनुभव मधुर होता है तब शरीर की क्रियाएं कैसी होती हैं, ये किस तरह काम करता है, कैसे ये रासायनिक रूप से बहुत शुद्ध हो जाता है, क्योंकि मानवीय अनुभव कई तरीकों से आपकी केमिस्ट्री में आधारित है। तो अगर आपकी केमिस्ट्री शुद्ध नहीं है, आप अपने भीतर जो पैदा करते हैं अगर ये उससे मैली हो रही है, तो शुरू में ये नाखुशी का सवाल है और बाद में ये खराब सेहत बन जाता है और हर तरह के कष्ट भुगतने पड़ रहे हैं। अगर आप इसका ध्यान रखें, मैं इसका ध्यान कैसे रखूं सद्गुरु? अरे, इनर इंजीनियरिंग है। अभी आपने सोचा, देखिए ये इस तरह है, आप पहले स्कूल गए, आपने ABCD सीखा, ठीक है, शुरुआती चीज आपके प्राथमिक शिक्षक, लेकिन फिर आप BSc, MSc, PhD बन गए। ये बंद रास्ते जैसा लगता है, PhD। तो अब आप वहां पहुंच गए और तब आपने अपनी प्राथमिक शिक्षिका को देखा, वो महिला अब किसी काम की नहीं लगती, वो कुछ नहीं जानती, बस ABC। मान लीजिए आप भूल गए कि उसने आपको क्या सिखाया था, और फिर आप PhD कैसे कहेंगे? तो जीवन के अलग अलग चरणों में अलग अलग चीजें आएंगी, पर यह बहुत बहुत जरूरी है कि बुनियादी चीजें नष्ट ना हों। इनर इंजीनियरिंग दुनिया के लिए, मां। हेलो, भूल गए? नहीं सद्गुरु, मैं सम्यमा हूं। अगर आप ABC भूल गए तो कोई PhD नहीं है ना, ये ऐसी ही चीज है। तो इनर इंजीनियरिंग के 5 पहलू, खुद को एक क्रैश कोर्स कैसे दें? अगर आपको दिन में एक बार इसकी जरूरत है तो एक बार करिए, अगर 2 बार इसकी जरूरत है तो 2 बार कीजिए, अगर आपको 24 बार जरूरत है तो 24 बार कीजिए, अगर 24,000 बार जरूरत है तो 24,000 बार कीजिए। खुद को इनर इंजीनियरिंग के 5 बुनियादी सिद्धांतों की याद दिलाइए। आनंद में रहने का ये एक सरल तरीका है।